सभी भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से अच्छी और उम्दा नस्ल का मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की हमारी कवरेज है जी, मैं बताना चाहूँगा काफ़ी जानी मानी जगह हैं भाई नवीन के डेयरी फार्म से वीडियो लेके आ रहे हैं जी। और आज की वीडियो में आप लोगों को काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ताज़ा ब्याई हुई भैंस है वो आप इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जितने भी यहाँ से कवरेज करते हैं काफ़ी अच्छा पशुधन हर वीडियो में दिखाते हैं, और आज की वीडियो में भी आप लोगों को एक काफ़ी अच्छी दूध लाइन की भैंस की वीडियो लेके आ रहे हैं, आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एड्रेस आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, गांव श्याथोर, ज़िला लगता है जी चरखी दादरी और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो मिलवाते हैं भाई नवीन से और इस चोटी की डिटेल्स लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई। काम कैसा चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा है। तो आज की वीडियो में जो आप हमारे से जोटी दिखा रहे हैं इसकी डिटेल्स जानना चाहेंगे, कौन से लैक्टेशन में? सेकंड टाइम है साहिल भाई। सेकंड टाइम में है? आज चार दिन की सुई हुई है। अच्छा, पहले बैच में 16-17 किलो दूध दिया है। 16-17 लीटर दूध फर्स्ट लैक्टेशन में दिया हुआ है, ठीक है। दांतों में 6 है। दांतों में 6, ठीक है। आज कम से कम भी जोटी का दूध उठा हुआ है तो 14 लीटर दूध, 14 लीटर दूध का उठा हुआ है, ठीक है। नीचे की चुवाई कितनी तगड़ी है? हाँ, मतलब बंदे का नीचे सूटने का मन नहीं करेगा, इतनी जबरदस्त है। आज 250 प्लस गाड़ी है। अच्छा, 3-3.5 गाड़ी हो सकती है 250 प्लस, ठीक है। तो एक बार आप लोगों को जोटी की क्वालिटी है वो कवर करके दिखाना चाहेंगे जी। दूसरे ब्याज की जोटी दांतों में 6 और हम बात करें 4 दिन की ब्याई हुई है, भाई साहब का कहना कि जो जोटी का आराम से कवरेज करके दिखा देंगे। जो जोटी का जो उठाव बना है वो 14 लीटर दूध का भाई साहब इसमें फिलहाल प्रेजेंट में बता रहे हैं। 2.5 किलो की गाड़ी है ना भाई साहब? 2.5 से प्लस की जो कि फिलहाल प्रेजेंट में अगाड़ी है वो भाई साहब इस जोटी में फिलहाल मौके पे बता रहे हैं जी। और ये देख सकते हैं जी, अड्डर काफ़ी लंबा नाभि से लेके जो पीछे बिल्कुल टेल से टच होता हुआ अड्डर है, बिल्कुल छोटे सींग की दूसरे ब्यात की जोटी। सबसे अच्छी बात दांतों में 6 दांत है जी। और ये देख सकते हैं फर्स्ट लैक्टेशन में 16-17 लीटर दूध जो कि दिया हुआ बता रहे हैं। और ये देख सकते हैं जी, अडर काफ़ी ज़बरदस्त, अडर में किसी भी प्रकार का अनबैलेंस हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिला। साथ में क्या भाई साहब? साथ में नीचे कटड़ी भाई, बड़ी HLDB की सिमन की कटड़ी है। साथ में HLDB के सिमन की जो कटड़ी है आप लोगों को वो भी विस्तार से कवर करके दिखाना चाहेंगे जी। ये देख सकते हैं 4 दिन की ब्याई हुई बता रहे हैं। और नीचे से भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो सूंड आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, जो हाल फिलहाल में दर्शाता है कि बच्चे ने हाल फिलहाल में ही जो कि जन्म है वो लिया। ये देख सकते हैं कटड़ी भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी लंबी चौड़ी जो कटड़ी जिसे कहते हैं वो आप इसमें देख भी पा रहे हैं जी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और जो क्वालिटी है जोटी में काफ़ी अच्छी, और मौके पे फिलहाल 14 लीटर दूध का जो कि उठा हुई जोटी का बना। अच्छा, एक बार खोल के चला, काफ़ी लंबी गर्दन और अडर आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं जी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। अडर में 1% अनबैलेंस हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, बिल्कुल बारीक चामी की। और अगर हम बात करें अडर को आप लोगों को पास से भी कवर करके दिखाना चाहेंगे, थड़ों में जो स्पेस आप दूध पे जा सकती है भाई, कम से कम ये दूध देगी साहिल भाई 19-20 लीटर, ठीक है। बांध दीजिए 19-20 लीटर दूध फिलहाल प्रेजेंट में भाई साहब बता रहे हैं कि जोटी आराम से देगी। और जिस हिसाब से दूध से उठी है तो मेरे हिसाब से देना भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लैक्टेशन में 16-17 लीटर दूध दिया हुआ है, ठीक है। तो अगाड़ी भी जो कि 3 के लमसम भाई साहब इसमें रेकमेंड कर रहे हैं, बाकी आप आके भी अपना पशुधन देख के भी ले सकते हैं, जांच परख के पशुधन को लें। और जितने भी आज की तारीख में काफ़ी अच्छी बिल्कुल सिंगल हड्डी की बिल्कुल बारीक चामी की अगर हम यहाँ से आप लोगों को कवर करके दिखाना चाहेंगे जी, बिल्कुल छोटे सींग की है। तो 19-20 लीटर दूध की भैंस आराम से भाई साहब बता रहे हैं। और ये देख सकते हैं थड़ों में स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा। तो भाई रेट क्या रखा है? रेट मतलब ऐसा भी हो सकता है तैयार दूध के लिए। अच्छा, और मौके का रेट रहेगा? मौके का रेट करना चाहेंगे, ठीक है। मौके का रेट है भाई साहब इस जोटी का करना चाहेंगे जी। बाकी जितने भी हैं आज की तारीख में काफ़ी अच्छी, जैसे कि हम सब जानते हैं
दूध वाला ही पशुधन ज़्यादातर परचेज करके लेके आते हैं, और जो पशुधन बताते हैं वो बिल्कुल खरा ही उतरता है, क्योंकि भाई साहब ने पीछे भी एक फर्स्ट टाइमर जोटी दिखाई थी जिसमें 18 किलो दूध कंडे का तोल का बताया था। वो जोटी काफ़ी अच्छी रही जहाँ पे गई है, पंजाब में गई ना भाई साहब शायद, वो एक में काफ़ी अच्छी लंबी गर्दन, करैक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल सिंगल हड्डी की, जो भी दूध के करैक्टर्स होते हो आप इसमें बखूबी देख भी पा रहे हैं। थन पासे हैं काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है भाई साहब। तो भाई के पास फ़िलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध रेट मौके पे करना चाहेंगे, और अगर आप कुछ किसी भी प्रकार की इस जोटी के बारे में डिटेल से भी पूछना चाहते हैं तो भाई साहब फ़ोन पे भी बातें हैं वो कर सकते हैं, रेगुलर रूटीन से स्क्रीन पे नंबर आशा करेंगे। आज की जो हमारी ये कवरेज है जी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास, तब तक सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।